सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरा इस वीडियो को बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने किसी एक वीडियो में कमेंट करके मेरे को बोला था कि भाई इन दोनों के बीच का क्या सीन है वो थोड़ा सा बताओ। तो मुझे खुद भी इन दोनों के बीच का जो सीन है वो पता नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि FFIP जब 2022 हुआ था तो वहाँ पर हमारी TSG आर्मी और OG इलिट दोनों ही क्वालिफाई नहीं हुई थी, ओपन क्वालिफायर्स से दोनों ही बाहर हो गई थी। मतलब दोनों टीम इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने में नाकामयाब रही थी। यहीं पर TSG आर्मी के प्लेयर्स ने टीम को छोड़ दिया था, जहां पे बिहान चले गए थे क्योंकि उनके पेपर्स आने वाले थे। और ओजस्वी उस टाइम पे खेल रहा था जब टीम मतलब डिसबैंड हुई, जब बिहान छोड़ दिया था, फिर भी उसके बाद भी ओजस्वी कुछ टाइम तक खेला है। इसी के बीच में हमारी OG इलीट डिसबैंड होती है, जहाँ पे हमारे आइकॉनिक और पहाड़ी की थोड़ी सी बात हो जाती है, मतलब थोड़ा मैटर हो जाता है, उनका लड़ाई का सीन हो जाता है। तो वहाँ पे हमारी जो OG इलीट है वहाँ पे डिसबैंड हो जाती है, और जो आइकॉनिक और किलर हैं वो OG इलीट को छोड़ के TSG आर्मी की टीम से खेलने लगते हैं। तो जब अब ये टीम खेल रही थी तो लंबे टाइम तक इनकी अच्छी मतलब अच्छा गेम प्ले जा रहा था। ये लोग एक कंटिन्यू 2-3 टूर्नामेंट जीते थे, कुछ ख़राब टूर्नामेंट भी गए थे, लेकिन मतलब इतने भी ख़राब टूर्नामेंट नहीं गए थे कि जिससे टीम डिसबैंड हो जाए। तो यहाँ पे होता था कुछ ऐसा कि मतलब कुछ दिन तक तो किलर साथ में खेलता था, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे जो किलर भाई हैं वो TSG आर्मी की टीम से नहीं खेल रहे थे, ओनली आइकॉनिक खेल रहे थे। और लाइनअप कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे हमारे TSG लेजेंड TSG ओजस्वी सासुके और आइकॉनिक टीम से खेल रहे थे, जबकि किलर भी उस टाइम पे थे, बट किलर टीम में खेल नहीं रहा था, ठीक ना, लेकिन आइकॉनिक टीम में खेल रहा था। अब इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सीज कैसे हुई उसका मैटर के बारे में मेरे को तो नहीं पता, लेकिन जब आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे TSG लेजेंड और किलर दोनों एक दूसरे को अनफॉलो किए हुए हैं। मतलब पहले अगर आप चेक करते तो ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, बट अब फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही आप इससे भी समझ सकते हो कि जब मतलब कोई प्लेयर अनअवेलेबल रहता था एक दूसरे की टीम में, तो यहाँ पे अगर मतलब TSG आर्मी का कोई प्लेयर अनअवेलेबल रहता था तो हमारे जो किलर हैं वो TSG आर्मी की टीम से कभी कभी हमको खेलते दिखते थे, साथ ही TSG लेजेंड भी कभी कभी OG लेट की लाइनअप के साथ खेलते दिखते थे, और उन दोनों का आज साथ में वर्सेस का वीडियो ये सब आता दिखता था। लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली कभी भी हमारे TSG लेजेंड और किलर साथ में नहीं दिखे हैं। जबकि अगर आप ये मैटर आपने शायद नोटिस किया होगा कि यहाँ पे दोनों प्लेयर साथ में खेलते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी प्लेयर TSG आर्मी की जैसे मतलब कोई प्लेयर अनअवेलेबल है उस टाइम पे, तो किसी और दूसरी टीम की लाइक टीम हिंद के प्लेयर आ जाते हैं, बट कभी भी किलर FF नहीं आते। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई कंट्रोवर्शियल मैटर हुआ था, जिसके कारण से हमारे जो किलर FF और TSG लेजेंड की यहाँ पे दोस्ती ख़त्म हुई है, जहाँ तक मेरे ख्याल से। बाकी मेरे को भी इस मैटर के बारे में नहीं पता है, क्योंकि इस मैटर पे कभी बात नहीं हुई कि मतलब TSG आर्मी आइकॉनिक और किलर ने क्यों छोड़ी। उन्होंने भी सामने से मतलब कोई अच्छा रिप्लाई नहीं किया जिससे पब्लिक समझे कि नहीं क्यों छोड़ा है, मतलब कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया है जिससे समझ में आया कि हाँ मतलब ये लोग क्यों छोड़े। बस ऐसे ही बोल रहे कि भाई बस नई टीम बनाना था, यह कोई रीज़न नहीं था। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी हमारे TSG लेजेंड और किलर के बीच में, जिसके कारण से इन्होंने टीम छोड़ी। तो बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इस बात को सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं उस टाइम पे किलर बिजी था, मतलब किलर बिजी रहा होगा या कोई और मैटर रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सीन नहीं था। किलर उस टाइम पे खेल रहा था गेम, लेकिन वो TSG आर्मी की लाइनअप से नहीं खेल रहा था। जब सासुके या लेजेंड बिजी रहता था तो उस टाइम पे भी हमारे जो उज्ज्वल हैं वो खेलते हुए नज़र आते थे, जो कि अभी टीम एवोल्यूशन का पार्ट है, और यहाँ पर हमारी टीम एवोल्यूशन से खेलते हैं हमारे उज्ज्वल। तो ये मैटर कुछ इनके बीच हुआ था, जिसके कारण से हमारे जो आइकॉनिक है और किलर है ये दोनों ने TSG आर्मी लीव की है। बाकी मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी को हेट देने से नहीं है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको भी ऐसा लगता था कि नहीं इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई है जिस कारण हमारे पे यहाँ पे किलर और आइकॉनिक ने टीम लीव की है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी किसी को हेट नहीं देगा, ये मेरी आप सबसे विनती है। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।